वृश्चिक राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वृश्चिक राशि वालों दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माँ भवानी, माँ गौरी, माँ अम्बे जी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और माता रानी से आपके लिए दिन रात गुहार लगाते हैं कि हे माता रानी, आप किसी को भी नाराज मत रखना, आप किसी को भी उदास मत रखना, आप सभी को बराबर खुशियां देना, आप सभी को अपार धन संपदा देना। खासकर उन लोगों को माता रानी, जिन लोगों का आखिरी तमन्ना केवल आप पर हो। वृश्चिक राशि वालों बहुत बहुत बधाई हो। आज शाम 5 बजे से आपका पूरा इतिहास ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज शाम 5 बजे के बाद आपकी कुंडली में बहुत बड़ा उलटफेर होगा जिसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी खुशखबरी लेकर आए हैं जिन्हें सुनते ही आप नाचने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह अद्भुत घटना आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों परमात्मा के घर से बहुत बड़ा आदेश आ चुका है कि इस राशि के जातकों का अब होगा भाग्य उदय। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू से लेकर अंत तक नहीं देखोगे तो दोस्तों हम आपको लिख कर देते हैं कि आप जीवन भर पछताओगे। जी हाँ, पूरा जीवन यह सोच सोच कर परेशान रहोगे कि आखिरकार हमने ऐसी कौन सी गलती की है जो कि अभी तक हमारा जीवन वैसे के वैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पूरा जीवन भर पछताने से बेहतर है कि आज थोड़ा सा समय देकर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं इन सभी बातों को आप अपने अंदर गांठ बांध लो। देखिए दोस्तों, जीवन एक दिन में नहीं बदलता है, लेकिन प्रयास जारी रखोगे, मेहनत करते रहोगे तो एक दिन आपका जीवन जरूर बदलेगा, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखिए दोस्तों, आप पीछे मत हटना, फिर देखना दुनिया का कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकता, आपको मंजिल पाने से दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा आप सभी से वादा रहा। बात समझ आई हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कैसा रहेगा आज आपका राशिफल। वृश्चिक राशि वालों, आज शाम 5 बजे के बाद आपकी किस्मत आपको मौका देगी, लेकिन आपका जो मेहनत है वो सबको चौंका देगी। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन दोस्तों आज आपको पता चल जाएगा कि ये कहावत हकीकत है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से खुशियों की भंडार होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अपने सारे दुख दर्द को अलविदा कह दो, क्योंकि दोस्तों अब आपके जीवन काल से यह सभी दुख दर्द भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से खत्म होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ग्रहों की यह बदलती चाल और आपकी मेहनत दोनों अब अपना रंग दिखाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आज का दिन आपके लिए रुके हुए काम को पूरा करने के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आज उस कामों को करने की कोशिश करें जो काम आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था, क्योंकि दोस्तों ग्रह गोचर बहुत ही अनुकूल है, आपका वह काम जो है तुरंत बनेगा और आपको उसमें लाभ होगा। जीवन साथी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बनाएंगे, करियर को लेकर परेशान रह रहे लोगों को कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है।
जी हाँ दोस्तों, जो लोग किसी योजना में धन लगाने के लिए सोच विचार कर रहे थे वो उसके नीति व नियमों पर पूरा ध्यान दें। आपको घूमने फिरने के दौरान आज कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। जी हाँ, आपको मित्रों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में समय व्यतीत करेंगे, जिसमें जो है आपका कोई महत्वपूर्ण काम जो है छूट सकता है। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए थोड़ी बहुत समस्या रहेगी अगर आप जो है सही समय पर सही डिसीजन लेंगे, सही समय पर सही से कार्य करेंगे तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहेगा और संतान के भविष्य की कुछ योजनाओं को बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आर्थिक मामलों में आज आप स्पष्टता से आगे बढ़ेंगे। आपको किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सुख सुविधाओं के वस्तुओं पर भी अच्छा खासा धन व्यय करेंगे, जिसे देखकर आपके शत्रु परेशान रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आज आप तरक्की हासिल करेंगे, आप मुकाम बहुत बड़े मुकाम हासिल करेंगे, जिसे आपके दुश्मन देख देख कर बिना माचिस की आग की तरह जलेंगे। जी हाँ, यदि आपके घर को रेनोवेट कराना चाहते हैं तो वह उसकी आज आप शुरुआत कर सकते हैं, समय उसके लिए बहुत अच्छा है। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको व्यवसाय के मामलों में जो है दिल देने से बचना होगा। यदि आप परिवार में चल रही कलह के कारण परेशान हैं तो आप वह आज उसमें किसी वरिष्ठ सदस्य से सलाह मशवरा करें। व्यवसाय में आपको कोई बड़ा डिसीजन बहुत ही सोच समझ करके लेना होगा। जी हाँ, आपने यदि पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत की है तो वह आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको किसी पुरानी गलती के लिए पछतावा होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको पछताने की आवश्यकता नहीं है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोचकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ, संतान से किए हुए वादे को आप पूरा करना होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। जी हाँ, आप दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज आप इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बिना मांगे किसी को भी सलाह मत लीजिएगा, नहीं तो लोग गलत समझ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ही पूरा फोकस रखना होगा आज का दिन, क्योंकि वो इधर उधर के कामों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, जिससे उनका जो है पढ़ाई से ध्यान हट सकता है। जी हाँ, आपको अपने किसी पुराने मित्र से मिलने जुलने का मौका मिलेगा। आप कुछ बड़े फैसलों को वरिष्ठ सदस्यों की मदद से ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्यवसाय में आपको यदि धन की कमी हो रही थी तो वह उसके लिए आप किसी बैंक, व्यक्ति, संस्था आदि से धन उधार ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस समय लोन लेना चाहते हैं तो आपकी बात बन सकती है। आपको बड़ी आसानी से लोन वगैरह कुछ भी उधार रुपया पैसा मिल सकता है। जी हाँ, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए खुशियाँ लेकर आने वाला है। जी हाँ, आपको नौकरी में अपने कामों में ढील देने से बचना होगा। आपका कोई विरोधी आपकी खुशी भरे पलों में बाधा डाल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जहां आपको बहुत खुशी होगी। छोटे बच्चों के लिए आप कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ मिलकर आप भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, जो कि दोस्तों आगे चलकर आपको लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय आप अगर कहीं पर भी रुपया पैसा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दौड़ धूप मत कीजिएगा, नहीं तो इस समय आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है।
जी हाँ दोस्तों, अपने सेहत का ख्याल रखें और इस शुभ समय का आनंद लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए दोस्तों, सितारे कहती हैं आज के दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ, यानी कि आपको आज धन कमाने के नए नए रास्ते दिखाई देंगे और आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा। आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं आज गति पकड़ेंगी, जिसमें अच्छा धन कमाने में भी कामयाब रहेंगे और रुका हुआ काम आपका बनने वाला है। देखिए दोस्तों, यदि किसी काम को लेकर चिंता आपकी बनी हुई थी तो वो चिंता भी आज समाप्त होने वाली है। देखिए दोस्तों, सितारे कहती हैं कि आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है और आपकी आय में वृद्धि होगी और अपनी मनपसंद चीज़ों की खरीदारी पर पूरा खर्च करेंगे और परिवार के लोगों की ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों बता दें, कारोबार में आपको मेहनत अधिक करनी होगी और अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाना होगा। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी की बातों में आकर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकती हैं। जी हाँ, और आपको किसी नए शाम की शुरुआत करना अच्छा लगेगा और इस समय आपको उसमें लाभ भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूती लेकर आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने निजी व प्रोफेशनल जीवन में तालमेल बिठाने में कामयाब रहेंगे, नहीं तो आपके घर या बाहर कहीं लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको व्यस्तता अधिक रहने के कारण अपने कुछ कामों को कल पर टालने की सोच सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में यदि कुछ समस्या चल रही थी तो आपको उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, नहीं तो वह समस्या बाद में आपको कोई बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आएगा। आपको आर्थिक क्षेत्र में अपने साथी के कामों पर ध्यान देना होगा। यदि आपने अपने जूनियर्स के कामों पर ध्यान नहीं दिया है तो आपसे कोई गलती हो सकता है, तो उसमें सावधानी बरतें। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। माता जी से आपकी किसी बात पर झड़प भी हो सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आएगा और आपका व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाएं आज गति पकड़ेंगी, जिसमें आप अच्छा धन कमाने में भी कामयाब रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय मध्यम रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके कुछ खर्चे बढ़ने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे, लेकिन दोस्तों परेशान होने की बजाय मन को शांत रखें। लेकिन किसी प्रेम से संबंधित मामले में आप दिल की जगह दिमाग की सुने, नहीं तो आपकी कोई जो है इच्छा अधूरी रह सकती है। आप अपने घर की मरम्मत आदि कराने में विचार विमर्श कर सकती हैं, जिसमें भी आप अच्छा जो है खासा धन लगाएंगे और आपको अपने किसी मित्र के साथ पिकनिक पर जाने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको अपने कार्यों के लिए कोई उपहार मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए पूरे लगन से मेहनत से काम करें, सफलता आपको जरूर मिलेगा। दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहेगा। आप एक्स्ट्रा एनर्जी से भरपूर रहेंगे, जिसके कारण आप अपने भविष्य की योजनाओं पर भी ध्यान लगा सकती हैं। संतान के करियर को लेकर यदि कुछ समस्या थी तो उसमें भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और काम के सिलसिले में आप छोटी दूरी यात्रा पर जा सकती हैं, जो आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहेगा। आपको अपने रुके हुए कामों को समय रहते पूरा करना होगा, नहीं तो बाद में आपको उनसे समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए किसी ज़रूरी कार्य को करने में सावधानी बरतने के लिए भी रहेगा। जी हाँ, लापरवाही और आलसी करेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। आपको नौकरी में मन मुताबिक काम मिलने से आप प्रसन्न रहेंगे और यदि जीवन साथी से किसी बात को लेकर अनबन चल रही है तो आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको व्यापार की कुछ योजनाओं संबंधित आवश्यक जानकारी
किसी के सामने लीक करना दिक्कत हो सकता है और लोग इसका फ़ायदा भी उठा सकता है, और आपको लेन देन से संबंधित कोई फैसला बहुत ही सावधानी से लेना होगा, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ, लापरवाही और आलसी करने से बचिएगा, बाकी समय आपके लिए अच्छा ही रहेगा। भाग्य आपका 77% साथ दे रही है, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। अपना भेष बदलकर देवों के देव महादेव जी आज आपकी परीक्षा भी ले सकती हैं, इसलिए हम आपको खास चेतावनी दे रहे हैं, समय रहते सतर्क कर रहे हैं कि आज आपको कोई भी संकेत मिले तो आप उस पर घमंड मत कीजिएगा और अनादर मत कीजिएगा, नहीं तो दोस्तों कुछ सब कुछ उल्टा ही होने लगेगा, क्योंकि दोस्तों देवों के देव महादेव जी की आशीर्वाद से आज आपके धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है, किस्मत का लिखा अब आपको मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान महादेव जी जब भी देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, जी हाँ, लेकिन आपको उसे कैसे संभाल कर रखना है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको पारिवारिक मामलों में पूरी रुचि बनाए रखनी होगी और आपके अंदर अपने कामों को करने में जल्दबाजी रहेगी जिससे आप कोई गलती कर बैठेंगे, इसलिए आज आपको इतना ध्यान रखना है कि आज आप क्या कर रहे हैं और कितना हद तक ये आपके लिए सही रहेगा। आज का जो दिन है रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा और आप एक लक्ष्य को बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, उससे आपको लाभ भी होगा और समय रहते आप अपने सभी कामों को पूरा कर पाएंगे, आपकी साख चारों ओर बढ़ेगी और मान सम्मान बढ़ने से आप प्रसन्न रहेंगी। आप कार्यक्षेत्र में जो है कार्य से व्यवहार से जुड़कर मसले आज सुलझ सकते हैं, लेकिन आप किसी जमीन जायदाद की खरीदारी करते समय उसके चल और अचल दोनों पहलुओं को स्वाधीनता से जांच लें, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है। जी हाँ, आपको अपनी किसी पुरानी गलती के लिए दंड मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको कोई गलती नहीं करना है, इतना ध्यान रखिएगा। जी हाँ, आज का दिन आपके लिए कुछ खास रहने वाला है, आप जीवन साथी के लिए शॉपिंग पर लेकर जा सकती हैं जिससे आपका धन भी खर्च बढ़ेगा और संतान भी आपसे किसी वस्तु की जिद कर सकती है, लेकिन आप किसी निवेश को बहुत ही सोच समझ कर करें, नहीं तो समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, निवेश के लिए आज का दिन उतना खास नहीं है, अगर आपने पहले कहीं पर धन निवेश किया था तो आपको रिटर्न दोगुना मिल सकता है। जी हाँ, और अपने करीबियों के भरोसा जीतने में आज आप कामयाब रहेंगी, आपको किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा करने से बचना होगा, नहीं तो इससे आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है और व्यवसाय की कुछ योजनाओं को गति मिलेगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके अध्ययन और अध्यापक के प्रति रुचि बढ़ेगी और आर्थिक मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी, कार्यक्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करके नाम कमाएंगे और आपको एक बड़े लक्ष्य को पकड़कर चलना होगा, आप लव के चक्कर में किसी बड़े लाभ को हाथ से न जाने दें, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। आपकी किसी संपत्ति प्राप्ति की अभिलाषा भी आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, विद्यार्थी के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रस्त होंगे और कुछ उन्हें विदेश से भी ऑफर आ सकता है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर रहेगा, लेकिन अगर आप अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और सोच समझ कर करेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए धार्मिक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा और आपको अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाकर चलना होगा। एक से अधिक स्रोतों से आज आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रही है, कार्यक्षेत्र में आपको अपनी योग्यता अनुसार काम मिलने से आज आप प्रसन्न रहेंगे, लेकिन प्रेम जीवन जी रहे लोग आज अपने साथी से किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी में आज आपको ध्यान देना है कि छोटी मोटी बातों को पकड़ कर चलेंगे तो दिक्कत हो सकता है, जितना हो सके इन छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके इस तो आपके लिए बेहतर रहेगा और इससे परिवार में सुख शांति भी बनी रहेगी। जी हाँ, आप अपने कामों में आज व्यस्त रहने के कारण अपने कुछ जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ सकते हैं जिससे बाद में आपको समस्या हो सकती है,
इसलिए दोस्तों आज आपको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा ज़रूरी है, उसे आज सबसे पहले करने की कोशिश करें तो ये आपके लिए बेहतर होंगी। आज का दिन आपके लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए बेहतर समय रहने वाला है। आप व्यवसाय के मामलों में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। लेकिन आपके रुके हुए काम आज अवश्य पूरे होंगे और जिसमें आपको भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया था तो वह भी आपको वापस मिल सकता है। आज आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना बना सकती हैं, जिसमें छोटे बच्चे मौज मस्ती करते हुए नजर आएंगे। भाग्य का आपको अधिक से अधिक साथ मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा। भाग्य आज आपका तकरीबन 80% साथ दे रही है। सभी कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दबाजी और लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानियां आपकी बढ़ सकती। जी हाँ दोस्तों, कुछ भौतिक मामलों में सावधानी बरतने की ज़रूरत है और आपको आज परिवार के किसी सदस्य की ओर से शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। देखिए दोस्तों, यदि आपने किसी को रुपये पैसे धन वगैरह उधार दिए थे तो वह भी आज आपको मिलने की पूरी संभावना दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, माता पिता का आशीर्वाद मिल रही है और माता पिता के आशीर्वाद से आज आपका रुका हुआ काम समय पर पूरा हो पाएगा। जी हाँ दोस्तों, माता पिता के चरणों में संसार की सारी खुशियां हैं, इसलिए किसी भी शुभ काम करने के लिए घर से जाते वक्त आपको अपने माता पिता का चरण स्पर्श करके ही निकलना है, इतना ध्यान रखिएगा। जिनके माता पिता नहीं है वो अपने घर में रखी भगवान को प्रणाम करके निकलें, इससे आपके वो काम बनने की पूरी संभावना बन जाती है, संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत आगे आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी और आपकी किसी अनजान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए नुकसानदायक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको किसी अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से खास तौर से आज आपको बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, उससे आपको ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखना है, लेन देन नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आगे आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपके अंदर त्याग व सहयोग की भावना बढ़ेगी और आप सभी का सम्मान करेंगे, सभी का रिस्पेक्ट करेंगे। आपको किसी मामले में बड़ों की सलाह मिलने से आपको जो है बचना होगा और कामकाज की तलाश कर रहे लोग अपने किसी मित्र की मदद से जो है आपका उनका काम सफल हो सकता है। आपको किसी दूर रह रहे परिजन से आज आपको कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकती है। बिजनेस में उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन फिर भी आप अपने घर में रहकर ही अच्छा खासा लाभ कमा सकती हैं। आपको किसी पुराने गलती से आपको सबक लेना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिन गलतियों से आपको नुकसान हुआ है उन्हें आपको दोबारा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए अच्छा समय रहेगा, आपको कुछ अवरोधों को दूर करना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आर्थिक अवसरों को लेकर आप थोड़ा सा सोच विचार कर सकती हैं, जिसके कारण कुछ बड़े अवसर आपके हाथ से निकल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, समय की लापरवाही करने से बचिएगा। आपको आज घर में सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे जो कि नाकामयाब रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने रूटीन बनाए रखें और यदि आप बिजनेस में कुछ कामों को लेकर किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे तो उनके पूरे होने में समस्या आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज का दिन आपको एक दूसरे के भरोसे नहीं रहना है, इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आपके लिए उन्नति दिलाने वाला समय रहेगा। यदि आप बिजनेस में किसी प्रस्ताव को खुद लेकर किसी बाहरी व्यक्ति से मिलेंगे तो वो आपकी बात
अवश्य समझेंगे और नौकरी में कार्यरत लोगों को आज अपनी गलतियों को दोहराने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाएंगे और आपके किसी मन की इच्छा आज पूरी होने से आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, परिवार में छोटे बच्चे आपसे किसी चीज़ की फरमाइशें कर सकती हैं, आपके प्रभाव व प्रताप में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने कामों पर ध्यान देना होगा, इधर उधर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने से बचिएगा, नहीं तो आपके समय की बर्बादी होने के अलावा और भी कुछ आपको फायदा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन आपके लिए धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी काम में बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे जिसमें बाद में आपको समस्या हो सकती है, इसलिए दोस्तों किसी भी काम में कदम बढ़ाने से पहले आपको दोबारा जरूर सोचना चाहिए। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे यह समय आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और व्यवसाय में आप अपनी दीर्घकालीन योजनाओं की फिर से शुरुआत कर सकती हैं और आपको एक से अधिक स्रोतों से लाभ प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन दोस्तों, आप अपने से ज़्यादा औरों के कामों पर ध्यान लगाएंगे जिससे आपको कुछ कम जो है जो काम है लटक सकती हैं। यदि आप किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए कहा है कि समय आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अगर आज के दिन आपको कोई मौका मिले तो आप उस मौके को जाने मत देना, क्योंकि दोस्तों ये मौका आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है और ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी सोच से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपकी वाणी की मधुरता आज आपको मान सम्मान दिलवाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, आपको इतना ध्यान रखना है कि अत्यधिक लाभ के चक्कर में छोटे मोटे अवसरों को हाथ से जाने नहीं देना। जी हाँ, और कार्य क्षेत्र में आप अपने कामों से अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिससे लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। लड़ाई झगड़े के आसार बन रही है, थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। लोग बेवजह आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आज आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि आपकी कामयाबी आपकी तरक्की एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में लोग आपसे जलने की कोशिश करेंगे और बेवजह बात विवाद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में जितना सावधान रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। सितारे कहते हैं आज का दिन आपके लिए धैर्य बनाए रखने के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके कुछ शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जी हाँ, लेकिन वो आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे, आपस में ही लड़कर नष्ट हो जाएंगे। यदि किसी से कोई वादा करें तो उसे समय पर पूरा करें। आपको लेन देन के मामले में अपनी बात को लोगों के सामने रखनी होगी, नहीं तो वो आपको झूठा साबित कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, न्याय मामलों में आज आप थोड़ी सावधानी बरतें और जिम्मेदारियों से किसी भी काम को करना आपके लिए बेहतर रहेगा और उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका कोई पुराना मित्र आपसे लंबे समय बाद मुलाकात करने आ सकता है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आज आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जी हाँ, क्योंकि भाग्य आपके साथ है, किसी बड़े लक्ष्य को पकड़कर चलना आपके लिए बेहतर रहेगा और उसी में आपको सफलता मिलेगी। आप कुछ वरिष्ठ जनों से मिलकर अपनी किसी समस्या का हल आसानी से निकाल पाएंगे। जी हाँ, कारोबार कर रहे लोग अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान लगाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो किसी दुर्घटना होने के भय सता सकता है। जी हाँ दोस्तों, खासकर अगर आप खुद का वाहन प्रयोग कर रहे हैं तो ज़रा सावधानी पूर्वक चलिएगा, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है।
आपको व्यवसाय में कुछ अच्छा लाभ मिले, आपका मन प्रसन्न रहेगा और नौकरी में कार्यरत लोगों की पद प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी में कार्यरत लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है, आपको कुछ महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। विद्यार्थी शिक्षा पर पूरा ध्यान दें और इधर उधर के कामों में ना लगें, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको जल्दबाजी में किसी काम को करने से बचना होगा और किसी मित्र की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो कार्य क्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का पूरा लाभ उठाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वही दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से समय काफ़ी उत्तम रहने वाला है और आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी और कुछ धार्मिक गतिविधियों में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी साख चारों ओर फैलेगी। आपको एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आप किसी बड़े लक्ष्य के चक्कर में किसी छोटे को हाथ से न जाने दें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। साझेदारी में किसी काम को करने पर आज आपको अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे आप अपने कुछ पुराने कर्ज भी उतारने में सफल रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आज आप धन कहीं इधर उधर निवेश करने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो आज का दिन धन के निवेश ना करें, नहीं तो धन आप पर डूब सकता है। जी हाँ, अगर आपने पहले अपना धन कहीं पर लगाया हुआ था या किसी को आपने उधार दिया था तो वह धन आज के दिन आपको मिल सकता है। जी हाँ, उसके लिए आज आप तत्पर रहें। आज का दिन आपके स्वास्थ्य के मामले में कुछ कमजोर रहने वाला है, कुछ नरम रहने वाला है। जी हाँ, आप उसमें लापरवाही करने से बचें और अपने खान पान पर पूरा ध्यान दें। जितना हो सके घर का ही बना हुआ शुद्ध भोजन करें, बाहर के फास्ट फूड से तो आप परहेज करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में कोई भी जोखिम भरा काम ना करें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। जी हाँ, और आपके लिए एक सुझाव का स्वागत होगा और अकस्मात लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा और सोच विचार करके आगे बढ़ें और आपको अपने परिजनों का साथ मिलेगा और सहयोग भरपूर मात्रा में मिलता हुआ दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप छोटे मोटे अवसरों को पकड़ कर चलेंगे तो आज आपको लाभ ही लाभ होगा। लेकिन आपको क्या करना है, एक बात ध्यान रखनी है कि बड़े अवसरों के चक्कर में छोटे को नज़रअंदाज ना करें। जी हाँ दोस्तों, नहीं तो आप बहुत से अवसरों को यूं ही हाथ से गंवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो।